नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। तो ज्यादा देर तक मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था, स्वेलिंग होती थी, पेनफुल रहता था। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितिका त्रय आयुर्वेदा से। आज हमारे साथ राहुल जी हैं, जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिनका केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। राहुल जी हमारे पास 3 महीने पहले आए थे और इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर की, जिसमें इनको 1 साल से वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम थी, जो कि इनको डिटेक्ट हुई। इन्होंने किसी हॉस्पिटल में कंसल्ट किया और इन्हें सर्जरी रिकमेंड की गई थी, जिसकी वजह से उनको पैरों में स्वेलिंग थी और काफी ज्यादा इनको दर्द भी रहता था। जैसे कि इनका फील्ड जॉब है और इनको काफी देर तक इन्हें खड़े रहना पड़ता है, तो इस वजह से इनको काफी प्रॉब्लम्स थी। तो इन्होंने हमें दिखाया और इनका पहले हम लोगों ने ट्रीटमेंट शुरू किया और उसके बाद हमने इनको कुछ थेरेपीज दी, जिसकी वजह से इनको काफी अच्छा रिलीफ है। और अब हम जानते हैं पेशेंट से कि उनको कैसा लग रहा है हमारे पास ट्रीटमेंट करवा के। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं करनाल का रहने वाला हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि मैंने ऑलरेडी प्राइवेट क्लिनिक्स में हॉस्पिटल में भी दिखाया था, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि आप सर्जरी होने वाली है, तो यहाँ पे मेरी जितनी भी पेन होती थी, स्वेलिंग्स होती थी, जैसे मेरा प्रोफाइल में सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में कहीं कहीं जगह जाता रहता हूँ, तो मेरा ऑलरेडी फील्ड जॉब का काम होता है, तो ज्यादा देर तक मेरे से खड़ा नहीं हो जाता था, स्वेलिंग्स होती थी, पेनफुल रहता था। बट इनके मैंने ऑनलाइन सेशन देखे, तो उनको उन्होंने किसी ने रेकमेंड भी किया था कि एक बार आप जाके विजिट करके आइए, तो मैं डॉक्टर साहब से मिला, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन रेकमेंड करी, कुछ थेरेपीज रेकमेंड करी, तो 3 मंथ्स के बाद और आज ये रिजल्ट है कि 40-50% मेरे ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। थैंक्स टू डॉक्टर कृतिका, तो इतनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है मेरे अंदर। जी सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पेशेंट को काफी प्रॉब्लम थी और इनकी एज भी काफी कम है, और इतनी कम एज के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स होने की वजह से काफी हताशा आती है और हमें एक जो रास्ता दिखता है, समटाइम्स हम लोग सर्जरी की तरफ बिल्कुल सीधा चले जाते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में भी कई बार आपको बताती हूँ कि सबसे पहले आप एक बार खुद को नेचुरली ठीक करने की कोशिश कीजिए। जैसे इन्होंने अप्रोच किया, इन्होंने बात की, फिर हमने उनको नाड़ी से जीत देख करके इनको कंसल्टेशन दी, उसके बाद इनको हमने कुछ ट्रीटमेंट शुरू किए और इनको रिजल्ट्स भी आए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे एक बार कॉल करके कंसल्ट जरूर कीजिए। जैसे इन्हें बेनिफिट मिला है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि बाकी पेशेंट्स को, बाकी लोगों को इसी तरीके से रिलीफ मिलता।